सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कुछ इस तरह से 3D इमेज बनाना चाहते हैं विद श्री राम जी, तो कैसे आप बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरे ब्रदर का नाम भी लिखा हुआ है। और ये इमेज जो है बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, जो ये 3D इमेज है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी आपको ये इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर टी शर्ट पर जो है आपका नाम भी आप लिख सकते हैं, और पीछे जो श्री राम जी की यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाएगी, और साथ में आप अपना नाम भी लिख पाएंगे। कुछ इस तरह से अगर आप ये 3D इमेज बनाना चाहते हैं बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा इस तरह की 3D इमेज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। पॉज कर लीजिए, मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना होगा बीइंग इमेज क्रिएटर। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया है। सर्च करने के बाद सबसे पहले जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बीइंग जो है इसमें आपको अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको पेज शो करेगा। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको देख लीजिए एक बार। ये जो मैं यहाँ पर टाइप किया है, जो मैंने पेस्ट किया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो आपको भी आकर यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपको अपना नाम लिखना है टी शर्ट पर, तो यहाँ पर जैसे प्रिंस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और नाम लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, अमित, अमित मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी प्रिंस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अपना नाम चेंज कर देना है तो कर देते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने यहाँ भी नेम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो है अगर आप चाहते हैं कि गर्ल की बनानी, तो गर्ल आप यहाँ पर कर सकते हैं, बॉय की जगह यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड बॉय लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ओल्ड गर्ल लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बॉय रहने दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा ही टाइम लगेगा, ये इमेज जो है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। फिर मैं उसको डाउनलोड करके भी आपको बताऊंगा कैसे इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को यहाँ पॉज कर देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर 3D इमेज बन के आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये लास्ट वाली ही इमेज को मैं डाउनलोड आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल रही है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे आपकी इमेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और इसको ओपन करता हूँ तो आप देख लीजिए डाउनलोड हो चुकी है। ऐसे ही अपनी जो है इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताना था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।